आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। सांची स्टेट माइल रोड में नो पार्किंग में खड़े वाहनों की शिकायत के बाद यातायात पुलिस हरकत में आई और बुधवार को कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में दोपहिया वाहनों को सीज किया गया। सांची थाना क्षेत्र अंतर्गत स्ट्रेट माइल रोड पत्ता मार्केट के सामने बीते कुछ दिनों से नो पार्किंग एरिया में खड़े हो रहे वाहनों की शिकायत पर बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में दो पहिया वाहनों को जब्त किया। आपको बता दें कि विगत दिनों इस सड़क को जिले के उपायुक्त के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त करवाया गया था, जिसके बाद यहाँ फुटपाथ का निर्माण एवं बैरिकेडिंग लगाई गई। इसके बाद यहाँ वाहनों के पार्किंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। बावजूद इसके यहाँ बाजार आने वाले लोग अपनी बाइक को लगाकर बाजार चले जाते हैं। इसके खिलाफ ट्रैफिक विभाग ने बुधवार को कार्रवाई की और बड़ी संख्या में यहाँ खड़े दो चक्के वाहनों को जब्त किया। चौधरी बिल्डिंग से लेकर पत्ता मार्केट और गलेस्की मॉल से पत्ता दोनों साइड तो माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा जो रोड क्लियर कराया गया था, बनाया गया था, इधर दुर्गा पूजा के दो दिनों के बाद से फिर लोग गाड़ी लगा के चले जाते थे। बार बार यातायात के पुलिस के द्वारा मना करने पर नहीं मान रहे थे। इसकी शिकायत मिलने पर आज दिनांक 12/10 को दोपहर के समय 1:30 से 2 बजे तक नो पार्किंग में खड़ी वाहन मोटरसाइकिल दोपहिया वाहनों को उठाकर करीब 10 गाड़ी पर साक्षी यातायात थाना में लाया गया है। बिरसा नगर के आसपास अवैध शराब के धंधे फल फूल रहे हैं। लुपुंगटी में आबकारी विभाग ने छापामारी करते हुए एक कार में बड़ी मात्रा में अवैध महुआ शराब जब्त किया है। बिरसा नगर थाना अंतर्गत लुपुंगटी हुलुंगडू मार्ग पर आबकारी विभाग ने छापामारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब एवं एक वाहन को जब्त किया है। मंगलवार देर रात गश्ती के दौरान एक संदिग्ध अवस्था में मारुति कार को विभाग ने रोका, जिसकी तलाशी लेने पर करीब 650 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया गया। वैसे इस दौरान चालक भागने में सफल रहा। वहीं आनंद कर्मकार नामक शराब कारोबारी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल हमें सूचना मिली थी कि NH पे एक मारुति 800 जो गाड़ी है उस पे अवैध शराब लाद के लाया जा रहा है, और इस क्रम में हम लोग गश्ती पे निकले थे उसी की जांच में। तो वहाँ पे एक जगह हमने उस वाहन को रोका के जब तलाशी लिया तो उसमें रबड़ के ट्यूब और प्लास्टिक के थैलियों में कुल मिला के 650 लीटर महुआ शराब शहर की ओर लाया जा रहा था। इसको रोक के वहाँ तलाशी दी गई तो पता चला, और उसमें दो व्यक्ति थे और एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, जबकि चालक जो है अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। जमशेदपुर अक्षेस द्वारा एक बार फिर बंगाल क्लब के पास फुटपाथ अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने अतिक्रमणकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। जमशेदपुर अक्षेस की ओर से मंगलवार को एक बार फिर से बंगाल क्लब के समीप हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान अक्षेस के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार खुद मौजूद थे, जहां उन्होंने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए दोबारा अतिक्रमण न करने की नसीहतें दी। उन्होंने बताया कि उक्त स्थल के लिए वेंडर की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, बावजूद इसके अतिक्रमण जारी है। उन्होंने वेंडर को शो कॉज करने की बातें कही, साथ ही कहा कि कल से नियमित रूप से यहाँ JNAC कर्मी और पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। लास्ट टाइम भी मैंने अभियान चलाया था, उसके बाद भी मुझे शिकायत मिली है कि लोग फिर यहाँ पे लगा रहे हैं। तो हमारे जो टीम यहाँ पे है अब रेगुलर यहाँ पे विजिट जरूरी होगी, इसलिए मैंने टाटा की भी मदद मांगा है। टाटा से करीब कितने लोग आए? 10 लोग उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया। आज मैंने थाना प्रभारी से भी बात की है, उनको भी मैंने बोला है कि आज मैं जो अभियान चला रहा हूँ कल के बाद यहाँ नहीं लगना चाहिए, तो आप सुनिश्चित करें। तो टाटा के भी जो फोर्स है यहाँ पे लगेगी और लोकल थाना प्रभारी भी मदद करेंगे, हमारी भी इन्फोर्समेंट टीम यहाँ पे रेगुलर घूमेगी। हम लोग अब सुनिश्चित करेंगे कि एक बार जिसे हटा दिया गया है वो ना लगे यहाँ। RTI कार्यकर्ता संघ द्वारा बुधवार को राष्ट्रीय RTI दिवस मनाया गया। निर्मल गेस्ट हाउस में गण्यमान्य लोगों की मौजूदगी में केक काटकर खुशियाँ मनाई गई। इस दौरान गण्यमान्य अतिथियों की मौजूदगी में निर्मल भवन में इसके निमित्त एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई समाजसेवी अतिथि के तौर पर यहां मौजूद थे। सभी ने केक काटकर इस दिवस की खुशियां मनाई। संघ के जमशेदपुर शाखा का अध्यक्ष दिल बहादुर ने बताया कि हर वर्ष इस खास दिन को RTI कार्यकर्ता मनाते हैं। सूचना का अधिकार आम आदमी का अधिकार है
और इसके प्रति लोगों को सजग करने का कार्य आरटीआई कार्यकर्ता करते हैं। इस दिवस पर आरटीआई कार्यकर्ताओं के समक्ष उत्पन्न हो रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई ताकि इसका उचित समाधान निकाला जा सके। दिवस का आज 18वां स्थापना दिवस है। 15 जून 2005 को भारतीय संसद ने इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को पारित किया था और 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया। और ये आरटीआई जो है ये एक मौलिक अधिकार है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के जन्मदिवस के मौके पर आयोजित संगीतमय संध्या में स्थानीय गायकों के साथ साथ डीएसपी अनिमेश गुप्ता और भाजपा नेता भरत सिंह ने भी अपनी गायन क्षमता से लोगों का दिल जीत लिया। धातकड़ी के रहने वाले 20 वर्षीय युवक मोती आलम की कुछ लोगों ने कथित तौर पर इतनी पिटाई कर दी कि इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। उसके परिजन एसपी से गुहार लेकर पहुंचे। बेहोश हो गया, उसको उठा के गाज के नीचे फेंका। अब बोलता कि मर गया, वो मर गया। हम लोग को दूसरा आदमी खबर दिया तो जाके देखते तो हम लोग का घर का लड़का है, उसको भागते हुए देखे। बस हम लोग ले करके आए, हम लोग एमजीएम ले गए। एमजीएम ले जाने के बाद एमजीएम वाला बोला कि हम लोग से नहीं होगा ही। फिर हम लोग टीएमएच ले गए, टीएमएच में बोला कि 6 लाख रुपया लगेगा। हाँ, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से 6 लाख देंगे, तो बोला इसको रिम ले जाइए। रिम में हम लोग ले गए, बच्चा वहाँ कल दम तोड़ दिया। बीते दिनों राजेंद्र नगर में एक कारोबारी के यहाँ हुई चोरी की घटना के सिलसिले में चैम्बर के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कप्तान से मुलाकात करते हुए चोरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। राजेंद्र नगर में अजय मोदी जी रहते हैं। दुर्गा पूजा में वो अपने पूरे परिवार के साथ वृंदावन और कुछ जगह घूमने चले गए थे और इस दौरान बैंक बंद थी। जो बाज़ार की खरीद बिक्री के पैसे थे, महाजन को देने थे, वो घर में रखे हुए थे। इसके अलावा ज्वेलरी भी थी। जब वे लौटे तो देखे कि पूरा अफरा तफरी है और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बहुत ही आराम से एक दो दिन रहकर किसी ने बड़े इत्मीनान से वहाँ पर चोरी की है। और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है
दो तीन दिन इस मामले को हो गए हैं। आज SSP साहब से इसी विषय पर मिलने आए थे और उन्होंने बहुत ही धीरज के साथ सारी बातों को सुना, समझा, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात हॉप के दो बेहतरीन वेरिएंट लियो एंड लाइफ। हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कि इसमें दो वेरिएंट है, हॉप लियो हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसी जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, ये पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिस्तुपुर, जमशेदपुर। याफी ई मोटर्स एंड एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम। Top performance electric scooters, sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी, जो आ चुके एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिस्तुपुर में उपलब्ध है, जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिस्तुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ अरितपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। सो विजिट आवर शोरूम टुडे एंड बुक योर ड्रीम इलेक्ट्रिक व्हीकल। याफी ई मोटर्स एंड एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम। शिक्षा निकेतन CBSE affiliated
आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cake, wedding cake. All types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.